नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। पिछले साल तक हम चर्चा जब करते थे पंजाब की, तो इलेक्शन की चर्चा होती थी या किसान आंदोलन की चर्चा होती थी। अब चर्चा हो रही है, जो खबरों में आ रहा है वो है खालिस्तान, अमृतपाल सिंह। कौन है अमृतपाल सिंह? उनका क्या वजूद है पंजाब में? कितना वजूद है? कौन उनकी सुनता है और उनके पीछे क्या ताकतें हैं? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिविंदर सिंह, सीनियर पत्रकार हैं। शिविंदर, स्वागत है आपका। शुक्रिया प्रज्ञा। शिविंदर, सबसे पहले ये बताइए, उनका परिचय दीजिए हमको कि वो कब से इंडिया में हैं, पंजाब में हैं, और उनकी क्या हरकतें रही हैं जब से वो आए हैं। प्रज्ञा, अमृतपाल सिंह का जो नाम है, अभी जो चर्चा में आया है, वो कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आप मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में इनका चर्चा होनी शुरू हुई थी, दुबई से पहले। ये इनका जो बैकग्राउंड है, अमृतसर तरन तारण एरिए से है, वहां एक इनका गांव है। ये दुबई में अपने चाचा के साथ बिजनेस करते थे, लेकिन किसान आंदोलन के समय ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो एक्टिव थे, ये दीप सिद्धू के पक्ष में भी पोस्टें डालते थे। हालांकि ये कभी भी जिंदगी में दीप सिद्धू को मिले नहीं, और यहाँ तक कि बाद में उसके भाई का कहना है कि दीप सिद्धू ने इनके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। मतलब दीप सिद्धू के भाई का कहना है, मतलब हो सकता है कि कोई अनबन होगी हो इनकी। लेकिन दीप सिद्धू एक जगह ये जिक्र करते हैं, एक वीडियो में छोटा सा इसका जिक्र करते हैं कि हमारे शुभ चिंतक है, जिसमें से अमृतपाल सिंह है, दुबई में रहता है। तो अमृतपाल सिंह का जो आगमन होता है, ये आप मान के चलिए कि इंडिया में होता है 2022 में ही होता है। इससे पहले वो किसान आंदोलन के समय एक्टिव रहे थे दीप सिद्धू के पक्ष में। इन्होंने एक ऑनलाइन इस तरह का सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, जिसमें ये अपना सारा कुछ करते थे। और यहां तक कि जब ये आए, इनके आते समय ही दीप सिद्धू वाला एक गुट है, वो इनसे अलग हो गया अमृतपाल से। उन्होंने दोष लगाया कि इन्होंने कैप्चर कर ली अमृतपाल की वारिस पंजाब जो ऑर्गेनाइजेशन है, धक्के से कैप्चर कर ली। और यहां तक भी एक व्यक्ति है जिसका नाम भगत द्वाबिया है, वो दीप सिद्धू का, वो अपने आप को पत्रकार भी कहता है, वो अपने आप को दीप सिद्धू का शुभ चिंतक भी कहता है। वो एक बार बार एक ऑडियो क्लिप दिखाता है जो आवाज बिल्कुल अमृतपाल जैसी है, जिसमें अमृतपाल अपने एक साथी बघेल सिंह से उसको गालियां निकालता है। उसको बोलता है कि ले गाली निकाल, तो माँ बहन की गाली देता है और कहता है कि तुम अपनी बेटी का एड्रेस दो। वो आवाज अमृतपाल से मिलती जुलती है। यहाँ ये चीजें हमें पता लगती है। तब फिर इसने आते ही लगातार बोलना शुरू किया कि देखो, हम गुलाम हैं, खालिस्तान चाहिए अपने आप को। ये इसने भिंडरांवाला का कहा कि मैं उसको मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, और भिंडरा वाले के गांव में जाकर इसने अपने जो वारिस पंजाब है उसको उदय किया। या फिर इसने अमृत भी छका, उसको भी एक, हालांकि सिख धर्म में अमृत छकना एक आम रीत है, इसमें दिखावे की जरूरत नहीं होती। तो इसने उसको भी एक सेलिब्रेशन की तरह किया कि मैं वो कर रहा हूँ। फिर इसके जो जितने बयान आए हमने देखे, वो बयान कुछ ऐसे थे कि नफरत फैलाने वाले भी थे। वो बयान इस ढंग से दिखाई दे रहे थे कि जैसे कभी क्रिश्चियन के उल्ट बयान दे दिया इसने, कभी के किसान नेताओं के उल्ट बयान दे दिया। यहां तक भी के वो इसके साथ बहुत तरह की फोर्सेस जुड़ी हुई है, वो फोर्सेस भी जुड़ी हुई है जो किसान आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन को एक ढंग से बदनाम कर रही थी, या किसान आंदोलन का जो नैरेटिव है उसको विखंडित करने का काम भी कर रही थी। वो सब अमृतपाल के साथ इस समय लगे हुए हैं। जी शिविंदर, अजनाला में क्या हुआ था? वो इंसिडेंट आइए, उसका बैकग्राउंड बताइए। अजनाला में घटना थी, वो ये थी कि देखो, जो अमृतपाल के जितने दोस्त हैं, जो अमृतपाल मानता भी है कि ये मेरे दोस्त है, वो सोशल मीडिया पे अक्सर ही गाली गलोच करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जैसे बघेल सिंह का वो खुद नाम लेता है कि मेरा मित्र है, वो बघेल सिंह आपको सोशल मीडिया पे गाली देता दिखाई दे जाएगा। इसी तरह एक लड़का है वरिंदर, लड़का जो है वो अमृतधारी है, मतलब साबत सूरत सिख है। उसकी मार पिटाई की, उसका दोष है कि अमृतपाल के बंदों ने मेरी मार पिटाई की। कारण क्या था कि वरिंदर का कहना था कि अमृतपाल के एक व्यक्ति ने एक लड़की से शारीरिक संबंध बनाए जबरदस्ती की, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उसने नहीं की। वरिंदर थोड़ा भावुक था, उसने जाकर अमृतपाल को शिकायत की, तो अमृतपाल एंड कंपनी ने उस पर हमला कर दिया, उसको मारा कूटा। तो ये दोष है वरिंदर का, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तो बाद में इसने पुलिस को कहा कि आपने मेरे बंदे को कैसे वो किया वगैरह वगैरह, अल्टीमेटम दे दिया भी हम आके
थाना घेरेंगे, फिर वो सारी घटना आप देखते हो। बाद में पुलिस ने वो मामला वापस ले लिया कि पुलिस का कहना है कि जी इन्होंने हमें सबूत दे दिए, तो इसका जो दोस्त है अमृतपाल का वो इसमें शामिल नहीं है। अब सवाल ये जी है कि यदि आपने उस पर पर्चा दर्ज किया था तो क्या वो गलत था, लेकिन जब आप उसको छोड़ रहे हो तो वो गलत है? मतलब आप यदि छोड़ रहे हैं तो कोई दबाव में आके तो नहीं छोड़ रहे, इनकी गुंडागर्दी के आगे अपने हथियार तो नहीं फेंक रहे हैं? यदि आपने पहले उसको पकड़ा था तो फिर वो क्या गलत था, वो क्यों पकड़ा था? अब पुलिस के भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी शिविंदर, एक्चुअली हम अगर खबरें पढ़ें आज भी, तो सेंटर कहती है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले अमृतपाल के खिलाफ या उसके साथियों के खिलाफ। और स्टेट गवर्नमेंट का रवैया आप बताइए कि क्या रहा है, दोनों का ही बताइए कि रोल क्या है अभी। देखो, मुझे लगता है कि प्रज्ञा के इसमें ना ये बात सेंटर सरकार या राज्य सरकार से भी कहीं बढ़ के इसमें दोनों का करेक्टर सामने आता है। एक तो मुझे लगता है कि सक्षम नहीं है पंजाब सरकार इस मुद्दे को हैंडल करने में, इससे पहले भी एक दो नहीं है। अभी ये मोहाली में बंदी सिंहों को लेके मोर्चा चल रहा है, वहां भी एक छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं हुई थी, पटियाला में हुई थी कुछ महीने पहले हुई थी, आप शिवसेना और सिख कट्टरपंथियों के बीचकार एक घटना हुई थी, उसमें भी पहले प्रशासन ने काम नहीं किया। हालांकि आरएसएस जो शिवसेना वालों ने पहले चेतावनी दे रखी थी कि हम फला दिन ये काम करेंगे, तो ये रोक नहीं सके थे। इसलिए मुझे लगता है जो एक इच्छा शक्ति होती है ना, वो इच्छा शक्ति दिखा नहीं रहे, थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि कहीं ये कहानी बिगड़ ना जाए हमसे। आम आदमी पार्टी सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में दिखाई दे रही है, तो उनके इशारे भी प्रशासन या पुलिस ने काम करना होता है, एक तो ये चीज है। दूसरी बात है सेंटर सरकार की। अब सवाल ये है प्रज्ञा के, आप छोटी सी बात पे किसी स्टेट में किसी कलाकार पे मामला दर्ज कर लेते हो, कभी किसी पे सिटिशन कर देते हो, किसी पे यूएपीए लगा देते हो। अमृतपाल आए दिन बोलता है, कई महीनों से बोल रहा है, आपने इससे कुछ नहीं बिगाड़ा। तो भाई अब तो एनआईए का जो मेन है वो भी पंजाब कैडर से आता है, उनको पूरी मालूमात है, फिर भी आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? इसका मतलब क्या है? कहीं ये तो नहीं कि अमृतपाल आपका एजेंडा ही फॉलो कर रहा है या आपका काम आसान कर रहा है? मैं जो बात इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब की आप टोटल सिचुएशन देखें, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई हुई है, लोग दूसरी पार्टियों से उदासीन थे, निराश थे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया। कांग्रेस को किनारे होगी, अकाली दल पूरी तरह सरेंडर कर चुका है, अकाली दल खत्म हो गया। अब एक पॉलिटिकल स्पेस है, जो भाजपा चाहती है कि उसका नंबर लग जाए, अब उसका नंबर सीधा लग नहीं सकता, वो दो ढंग से लग सकता है। एक तो दूसरी पार्टियों के बंदों को पटाओ, वो उन्होंने शुरू कर दिया है, कैप्टन ले लिया जी, सुनील जाखड़ ले लिया, वगैरह वगैरह। दूसरा ढंग है पंजाब में पोलराइज किया जाए पंजाब को, तो यानी कि वोटर्स को डिवाइड किया जाए। हाँ वो आराम से। अब अमृतपाल वो काम करता दिख रहा है, अच्छा दिख ही नहीं रहा, और कई बातें उसकी ऐसी है जो बीजेपी के नैरेटिव को सेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब धर्मांतरण का मुद्दा कभी भी सिखों का मुद्दा नहीं रहा, यहां तक कि 2014 में जब बीजेपी आई आई, कुछ लोगों ने कोशिश की, बीजेपी पक्षी बंदों ने, कि कुछ क्रिश्चियन को सिख बना दिया जाए। तो अकाल तख्त के जत्थेदार ने उस समय बयान दिया था, उस समय के जो जत्थेदार थे, तो ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी को इस तरह बनाओ। तो पंजाब के बुद्धिजीवियों ने भी उसका विरोध किया था, लेकिन आजकल अकाल तख्त के जथेदार भी उस तरह की बोली बोल रहे हैं जैसे धर्मांतरण के पक्ष में हो वो। तो दूसरी बात, अमृतपाल भी लगातार कह रहा है कि आपके गांव में कोई क्रिश्चियन आए उसको हम देख लिया जाए, वगैरह वगैरह। अच्छा, इनके साथ जो नहिंग टोलियां हैं, जी सारे नहिंग नहीं, कुछ नहिंग टोलियां जिसको जो एक तरह का गुंडा एलिमेंट का व्यवहार करती है, वो नहिंग टोलियन के साथ है। इन्हीं नहिंग टोलियों ने कुछ समय पहले तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में एक इनकी झड़प हो गई थी, लड़ाई हो गई थी मुस्लिम गुजरों से। अब सिखों को कभी मुसलमानों से लड़ते नहीं, हम देखा 47 के बाद, लेकिन ये वो भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कश्मीर की लड़की का जब मुद्दा आया था, सिख लड़की का मुद्दा, आपको याद होगा, उस जी समय भी जो फोर्सेस कह रही थी मनजीत सिंह सिरसा के साथ थी बीजेपी में, जो अब चले गए हैं, वो भी आजकल अमृतपाल की सपोर्ट करने में लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये नैरेटिव सेट होता है कि सिखों में एक ऐसा ऐसी लीडरशिप पैदा की जाए जो बीजेपी के पक्ष की हो। अच्छा, जो जो प्रवचन दे रहा है, फिलोसफिकल प्रवचन,
वो पूरा ब्राह्मणी कल है जो मतलब आरएसएस के एजेंडे को फॉलो करता है। ये कहता है कि देखो हमें आपके हिंदू नेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हमारा सिख नेशन दे दो। जी ये टू नेशन थ्योरी को फॉलो करना हो जाता है। जो जो बिल्कुल एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इससे जो कोशिश होगी कि पंजाब की अदर माइनॉरिटी है वो डर जाए। सिख जो कि पंजाब की एक ऐसी बड़ी सोसाइटी है पर इसको प्रोग्रेसिव माना जाता है, वो ऐसे के जरूरत पड़ने पर ये अदर्स कम्युनिटी के साथ खड़ती है, जैसे कि सीए आया तो ये मुसलमानों के साथ खड़ी हुई। अब इसमें ऐसा पैदा कर दिया जाए कि जब एक माइनॉरिटी दूसरी माइनॉरिटी के खिलाफ खड़ी हो जाए, मतलब ये एजेंडा तो अमृतपाल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये बीजेपी का ही तो काम कर रहा है। दूसरा एक और भी बहुत बड़ी बात है, जिस समय अमृतपाल दुबई से आया, भाई आपको आपके पास तो खुफिया एजेंसी है, आपको तो सब पता होगा कि ये तो बिल्कुल दुबई में बैठा भी तो ऐसे ही प्रचार कर रहा था ना, ये कैसे आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ एक पत्रकार थे अंगद सिंह, आपको याद होगा न्यूज क्लिप में मैंने स्टोरी भी की थी। बिल्कुल अंगद बिल्कुल सिंह ने बेचारा सीए पे उसने स्टोरी की और स्टोरी की, उसको अपने एयरपोर्ट से वापस मोड़ दिया। तो अंगद सिंह जो अपना एक डेमोक्रेटिक काम कर रहा था उसको तो एयरपोर्ट से वापस मोड़ा जाता है। जो लगातार भड़का रहा था व्यक्ति, उसको आप आराम से आने देते हो, आराम से वो प्रचार करता है, आराम से वो गुंडागर्दी भी करता है। गुंडागर्दी कभी वो क्रिश्चियन, उसके जो बंदे हैं वो क्रिश्चियन के समागमों में जाके गुंडागर्दी करते हैं, कभी गुरुद्वारों में जो बुजुर्ग बेचारे बेंचों पे बैठते हैं आप बेंचों को फेंक देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वहां भी गुरुद्वारे में जाके भी गुंडागर्दी करते हैं। तो कुछ भी नहीं, ना पंजाब सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल ये है, जैसे पंजाब सरकार पे सवाल है, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट पे है भी है। भाई आप छोटी छोटी बातों पे और लोगों को तो अंदर कर देते हो, तकड़ी तकड़ी धाराएं लगा देते हो, पर इसको आपने खुला छोड़ा हुआ। एक और चीज प्रज्ञा गया जो बहुत नोट करने वाली है, बीजेपी के एक दो लोकल नेता डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो ये बयान दे चुके हैं आज से 4 महीने पहले कि अमृतपाल जो क्रिश्चियन के विरोध कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, हिंदुओं और सिखों को मिलकर क्रिश्चियनों का विरोध करना चाहिए। ये बात समझनी बनती है। एक टीवी डिबेट में भी बीजेपी के नेता ने यही बात कही थी, पंजाबी टीवी डिबेट में। तो ये कहानी किधर जाती है भाई, ये समझने की जरूरत है। शिवेंद्र, कहानी कहाँ जाती है ये पंजाब के लोगों पे निर्भर है। क्या अमृतपाल सिंह को उस तरह का सपोर्ट मिल रहा है जिस तरह से कई बार खुफिया एजेंसी बताती हैं कि दूसरे देश का भी हाथ है इसमें, लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है किस हद तक? और ये कॉन्टेक्स्ट इसका दो दीजिए हमको। एक तो प्रोग्रेसिव जो किसान आंदोलन चला, कि हमने देखा है कि जब भी पिछड़ा तबका या गरीब तबका एकजुट हो जाता है तो इस तरह की खबरें आने लगती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रज्ञा के जो ना पूरा दिखाया जा रहा है ना, पूरे अमृतपाल अजनाला वाली घटना के साथ जितना भी नेशनल मीडिया लगा हुआ है कि पंजाब में खालिस्तान आ गया वगैरह वगैरह, ये पंजाब नहीं है, पंजाब और भी है। एक इंसिडेंट पंजाब नहीं है, भी इसकी चश्मे से आप खालिस्तान वाली घटना को नहीं देख सकते। एक पंजाब वो भी है जो मोहाली में जो बंदी सिखों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी एक पंजाब है। एक पंजाब वो भी है जहाँ किसान अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। एक पंजाब वो भी है जो जो लिटरेचर फेस्टिवल करवा रहा है। एक पंजाब वो भी है जो बेरोजगार नौजवान है जिसके, एक पंजाब वो भी है जो विदेशों में जा रहा है, एक पंजाब वो भी है जो सुसाइड कर रहा है, एक पंजाब वो भी है जो इनकलाबी नारे भी लगा रहा है। मतलब पंजाब डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। तो आप एक छोटी सी घटना को कहें कि सारा पंजाब ऐसा हो गया, एक तो मैं इसे मानता नहीं हूं इस बात को। अच्छा, दूसरी चीज जो अहम सवाल है कि ऐसी ऐसी ताकतों का उदय कैसे होता है। देखिए, पंजाब को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है, कि बैकग्राउंड में जाकर पंजाब एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया से, खासकर नॉर्थ इंडिया से, जहां के बीजेपी का डायरेक्ट प्रवचन नहीं चलता। जी इसका जो एक कॉन्सेप्ट है साझीवालता वाला है, जहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठा रहना चाहते हैं। हाँ, बीच बीच में बड़काहट हो जाती है, इवन 47 भी हुआ, लेकिन लहदे के इसका जो मेहर चंद, मेहर दीन और मेहर सिंह, हमारे तो नाम एक जैसे मिलते जुलते हैं, फकीर चंद, फकीरुद्दीन और फकीर सिंह, हम मिलते जुलते हैं, हम मतलब आपस में लड़ना नहीं चाहते। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि अब 47 के बाद पंजाब में हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके साथ किसानी दो हिस्सों में बांटी गई, एक के पास पैसा आ गया, एक के पास ये कुछ भी नहीं था, ठीक है, गरीब हो गए। फिर आपने 80 का नक्सलाइट मूवमेंट का दौर देखा,
80 का दौर देखा जहां स्टेट की भी वायलेंस रहा और आतंकवादियों का भी वायलेंस रहा। ये तमाम जो घटनाएं हुई है उसने पंजाब को एक ऐसा कर दिया कि एक तरह का ना जिससे यूथ है जो नई यूथ पैदा हुई है, एक तो वो बिल्कुल ही उसको वो पंजाब के अतीत से टूट चुकी है। उनको नहीं पता कि उनके लिए भिंडरांवाला भी हीरो है, भगत सिंह भी हीरो है, दीप सिद्धू भी हीरो है, क्योंकि वो गुरबानी से, सूफीवाद से, हमारी जो प्रोग्रेसिव परंपरा से टूटी हुई है। ये मतलब एक पंजाब वो यूथ है जो टूटी हुई यूथ है, उनको कोई भी बगलाता है वो उसकी तरफ चली जाती है। उनके लिए भगवंत मान भी हीरो बन जाता है, कोई नया नया नारा देता है उसके लिए वो उधर चले जाता है। ये एक कहानी है। अब जो दूसरा मुद्दा है कि अमृतपाल अभी 2-3 महीने से खत्म था, जी तो घटना हुई इसे एकदम फिर कोशिश है उभरी, और उसने एक बात कही जो नोट करने वाली है। पुलिस को बोल रहा है कि आप कौमी एजेंसियों को बोलते हो ना मेरे में ताकत नहीं, आप देख ली मेरी ताकत, भी तुम्हें कैसे पता भी कौमी एजेंसियों को पुलिस रिपोर्ट करती है भी, अब क्या तुम सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए ये कर रहे थे? ये कुछ सवाल है मतलब जिस जो हम जिसे इसकी रोशनी में देख सकते हैं। जी आम आदमी पार्टी क्या अपने आप को ऐसे पा रही है कि एक ट्रैप है? अगर वो जैसे अजनाला में कुछ हरकत करते, मतलब अगर पुलिस उनको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करती तो फिर बेअदबी वाला मामला हो जाता, ऐसा भी कुछ है? और पॉलिटिक्स पे जनरल असर क्या पड़ेगा इस तरह की जब बातें होने लगती हैं? देखो, ये ना पंजाब के लिए बड़ा नाजुक सा मोड है। आम आदमी पार्टी को के लिए सबक यही है, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी का जो करेक्टर है ना वो पंजाब से, देखो इनका ना बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी एक हवा में इसलिए बनी क्योंकि लोगों ने, पंजाब एक एक्सपेरिमेंट करने वाला स्टेट है अब लगातार आपको पता है, और इसीलिए कहते हैं कि वो इनकलाब जैसा जो फीलिंग है वो पंजाब में दिखती है कई बार। इसलिए इन्होंने बिल्कुल आम आदमी पार्टी को एकदम लाया क्योंकि दूसरी को पीछे कर दिया। अब मसला ये है कि ना तो ये पंजाब के जो पंजाब, मतलब आप देखो बीजेपी के नैरेटिव को फॉलो नहीं कर रहा था, जो पंजाब हिंदू राष्ट्र वगैरह को नकार रहा था, केजरीवाल वगैरह चुनाव के समय में वहां तिरंगा यात्रा कर रहे थे शहरों में, है अब इंडिया में थोड़ा चलेगा। अच्छा पंजाब जो है भारत पाक दोस्ती की बात करता है, आपके राघव चड्ढा पाकिस्तान के विरुद्ध बोल रहे थे, और फिर आप जब सत्ता में आए आपने 7 ऐसे राज्यसभा मेंबर चुन लिए जिनका पंजाब के साथ, पंजाब इसको एक्सेप्ट नहीं करता था, कुछ पंजाब से भी थे सीके वाल टाइप, पर पंजाब उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। आपने उसमें उनमें से हरभजन सिंह जैसा ऐसा बंदा चुन लिया जो किसान आंदोलन के समय बीजेपी के साथ था। सो ये बातें पंजाब के करेक्टर से उल्ट थी। अब बड़ी बात है कि पहले पंजाब को समझना होगा, इनमें पंजाब की खसलत क्या है उसको समझना होगा। दूसरी बात कि इनके लिए सबक भी है, जो अजनाला जैसी घटना हुई आने वाले समय में, क्योंकि अजनाला में वो गुरु ग्रंथ साहब को ऊपर सिर पे उठा के आ गए, मतलब गुरु ग्रंथ साहब को एक आड़ लेके आ गए, ऐसी घटनाएं को इस तरह के आंसर आगे भी कर सकते हैं, तो पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को कैसे डील करेगी, इनके लिए एक बड़ा सबक। शिविंदर, आखिरी सवाल। प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है, ऑन द होल पंजाब में आंदोलनों की हिस्ट्री रही है, विमेन मूवमेंट की रही है और किसानों का आंदोलन हमने देखा ही। इस तरह के खालिस्तान वाले मुद्दे को उछालना कितना गंभीर है ये मुद्दा? प्रज्ञा एक चीज ना बड़ी ध्यान से देखिए, मैं आपको आपका ध्यान दिलाता हूं, हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं अभी साल 1.5 साल पुराने ही बात करते हैं, खालिस्तान की कोई चिड़ी तक नहीं थी, मतलब पंजाब में कोई मतलब नाम तक नहीं था, लेकिन बीजेपी चीख चीख के कह रही थी कि अभी पंजाब में खालिस्तान आ गया, खालिस्तान आ गया, जो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी तो माओवादी आ गए। अब किसान आंदोलन ने अपनी काबिलियत से इनका माओवादी वाला नैरेटिव फेल कर दिया, फिर इन्होंने चीख चीख के कहना शुरू कर दिया जी खालिस्तानी आ गए हैं, तो किसान आंदोलन ने वो भी फेल कर दिया। फिर उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना जाट बनाम दलित किया जाए, तो जी किसान आंदोलन ने अपनी सियानत से वो भी कर दिया कि दलितों को भी अपने साथ में ले लिया, एक मास मूवमेंट बन गई। फिर इन्होंने कहा, इनकी जग हंसाई तब हुई जब हरियाणा भी हमारे साथ मिल गया, पंजाब के साथ मिल गया, तो ये कह रहे थे खालिस्तानी है, तो लोगों ने कहा यार हरियाणा में थोड़ो खालिस्तानी रहते हैं। इसका मतलब कि पंजाब पे कहीं ना कहीं लेबल लगाने की कोशिश ये कर रहे थे। अच्छा फिर ये घटना हुई जो प्रधानमंत्री वाली फिरोजपुर रैली वाली, जी उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा नेशनल मीडिया में चलाया, ये सारे एक झूठी कहानियां बुनी जा रही थी। अब जैसे अमृतपाल का उदय होता है, क्योंकि तो इनके पीछे कैसी ताकतें हमें नहीं पता, पर नैरेटिव वो बीजेपी का ही फॉलो कर रहा है, बीजेपी के काम ही आसान कर रहा है।
अब बीजेपी को कहने का मौका मिल गया कि देखो जी ये काम जो हम कह रहे थे 1.5 साल से, ये तो सत्य हो रहा है, जबकि अमर यानी जी कि सिख वर्सेस हिंदू नैरेटिव। सिख वर्सेस हिंदू भी बीजेपी की कोशिश है कि देखो अमरपाल ना को सारे सिख समाज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो भी विरोध कर रहे हैं। अब इनका जो काम क्या है, एक तो सिखों में जो बीजेपी केंद्र का जो एक नैरेटिव था जो अमरपाल फॉलो कर रहा है, हमें लगता है कि एक तो सिखों में कई सारे सेक्शन पैदा कर दिए जाए, वो दिख रहे हैं सेक्शन 7-8 सेक्शन में बढ़ जी चुके हैं। दूसरा कि माइनॉरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, मतलब इनके जो चेले बाल के हैं वो क्रिश्चियन के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, जहां बीच बीच में मुस्लिम के साथ एक दो दफा किया, इसी ढंग से आप दलित बनाम जाट भी कर दो, है सोशल मीडिया पे वो दिख रहा है। सो बीजेपी का ये वाला नैरेटिव ये अमृतपाल फॉलो करता हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका सवाल था कि पंजाब प्रोग्रेसिव भी है, हाँ तभी अभी से बचा हुआ है, क्योंकि तो इसको टक्कर देते हुए हमें किसान यूनियन भी दिख जाती है, इसे टक्कर देते हुए हम अब नौजवानों के जो प्रोग्रेसिव नौजवान भी दिख जाते हैं। तो मालवा क्षेत्र जिसने अभी तक भी अमृतपाल को उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, वो जहां किसान आंदोलन का भी पेड़ है वहां प्रगतिशील लिटरेचर का भी पेड़ है। सो ये पंजाब में एक लड़ाई है प्रज्ञा, जिसमें ऐसे एलिमेंट भी हैं अमृतपाल टाइप के, लेकिन इसमें दूसरे एलिमेंट भी है जो साजीवालता की बात करते हैं, जो पंजाबियत की बात करते हैं, इनमें लड़ाई है। अब जो अमृतपाल जैसा सेक्शन है उसको कहीं ना कहीं से एस्टेब्लिशमेंट का दृश्य और अदृश्य तौर पे सपोर्ट हमें लगता है कि है, तो इसमें जीतेगा कौन ये आगे चलकर पता लगेगा। जी ठीक है शिविंदर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया प्रज्ञा। तो ये थे शिविंदर सिंह, पंजाब के पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमें समझाया पूरी बारीकी से कि क्या क्या मुद्दे हैं अमृतपाल सिंह के पीछे और आगे क्या हो सकता है। न्यूज़ क्लिप देखने के लिए बहुत शुक्रिया।